हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन चल रहा है लेसन नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, आज हम करवाएंगे टॉपिक इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग ऑफ WCR एंड IFR। WCR की फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस टॉपिक के रिगार्डिंग में लेसन नंबर 3 में भी आपसे डिस्कशन हुआ था। ओके, तो आई रिपीट अगेन दिस टॉपिक आल्सो। WCR क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बिजनेसमैन या एक फर्म्स अपने कर्मचारियों को जो कंपनसेट करने के लिए पैसा देती है उसे WCR के नाम से जानते हैं। और IFR का मतलब होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें फ्लक्चुएशन चलता है, उतार चढ़ाव चलता है, तो उसके लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे IFR के नाम से जाना जाता है। आज इसके रिगार्डिंग हम इलस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट से पहले हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 53। एक एक एंट्री को ध्यान से देखिए क्या है। फर्स्ट देखिए, अगर IFR आपको WCR दे रखा है 80,000 रुपये और रेशियो आपको दे रखा है ABC पार्टनर है और उनका जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। ABCR पार्टनर रेशियो इज 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। WCR गिवन इन द क्वेश्चंस 80,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे तो व्हाट मेक जनरल एंट्री? फर्स्ट WCR अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। 80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेसो 2:1, 32,000, 32,000 एंड 16,000। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट एंट्री। दो ओ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको नहीं दे रखी है तो WCR का सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? हम ABC की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। केस नंबर 2 में कह रखा है कि जब WCR दे रखा है आपको 50,000 रुपये, तो 50,000 दे रखा है तो व्हाट मेक जनरल एंट्री? 50,000 WCR का दे देंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा? 30,000 रुपये बचेगा। तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस पर्पज के लिए तो बनाया ही था ये, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 50,000 हमने इसको दे दिया तो बचा 30,000 रुपये किसका है? ए का, बी का और सी का, इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, 30,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट का रेशो क्या होगा? 2:2, 2/5 करेंगे तो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये और 6,000 रुपये। दिस इज द केस नंबर 2। इज दैट क्लियर? दोनों केस आई होप दैट समझ में आ गए होंगे। 80 था, कोई सूचना नहीं थी, पार्ट में ट्रांसफर हो गया। 50,000 क्लेम का था तो 30,000 ट्रांसफर हो गया। अब थर्ड केस में अगर कंप्लीट ही कंपनसेशन का क्लेम हो 80 का 80, तो फिर पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट मेक जनरल एंट्री? WCR अकाउंट डेबिट आपके पास 80 है और क्लेम कितना है? क्लेम भी 80,000 है, तो सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? क्लेम का। पार्टनर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज द केस नंबर 3। 4th, यदि आपको क्लेम देना है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 अगर क्लेम देंगे तो हमें नुकसान होगा 20,000 का, और नुकसान के लिए हम किसके पास जाएंगे? रिवैल्यूएशन के पास। WCR सारा पैसा 80,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान कितना होगा? 20,000, क्योंकि अब क्लेम कितना देना है? 1,00,000 रुपीज़। और ये 20,000 का जो लॉस हुआ उसको कौन लेगा? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 20,000 रुपये, 2, 2, 1, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 4,000 रुपये।
तो ये था आपका लेसन नंबर 53। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन, वेरी सिंपलिसिटी है, समझिए प्लीज़। फर्स्ट में क्या है कि आपको हाउ मैनी अमाउंट गिवन इन 80,000 का WCR दे रखा है। पहले केस में कुछ भी नहीं था, सारा पार्टनर को दे दिया। दूसरा जो केसेस आया था उसके अंदर क्या था, जितना पैसा क्लेम का बाकी पार्टनर को दे दिया था। तीसरे में सारे का सारा क्लेम में चला गया। चौथे केस में 1,00,000 क्लेम दिया तो 20,000 का लॉस हो गया। लॉस कौन देंगे? पार्टनर देंगे और रिवैल्यूएशन के माध्यम से लेते हैं। ओके, दिस इज द 53। चलो ये तो WCR से रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशन था, अब लेते हैं IFR के रिगार्डिंग, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 56 IFR। IFR कितना दे रखा है क्वेश्चन, चलो यहाँ पे एक बार लिख लो थोड़ा सा। IFR दे रखा है 30,000 और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5,00,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट 5,00,000 दे रखे हैं, एक्चुअल में कॉस्ट दे रखी है। केस बारी बारी से लेके चले। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में कहता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सारा पैसा किसका? पार्टनर का। पार्टनर का रेशो क्या दे रखा है? 3:1। ABCR पार्टनर रेशो 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। देखो अब IFR अकाउंट डेबिट 2 इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 30,000। 3/6 15,000, 10,000 और 5,000। ओके, केस नंबर 2, 2 में कहता है कि मार्केट वैल्यू 5,00,000 की 5,00,000। देखो 5 की चीज थी, कोई फ्लक्चुएट नहीं, 5,00,000 की मार्केट वैल्यू है, तो फिर IFR का सारा पैसा डिट्टो। दूसरे केस में सेम एंट्री हो जाएगी, सारा अमाउंट वो का वो ट्रांसफर हो जाएगा। केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगी 4,82,000। सोचो हाउ मैनी, कितनी गिर गई? 18,000। 18,000 कौन देगा? IFR देगा। एंट्री IFR अकाउंट डेबिट कितना है? 30,000। 2 इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया? 18,000। तो बाकी कितना बच गया? 12,000। 12,000 किसको दे देंगे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। 6,000, 4,000 और 2,000। ओके, तो दिस इज द केस नंबर 3। फर्स्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड केस। अब चलते हैं हम फोर्थ केसेस के अंदर। फोर्थ केस क्या है समझो, फोर्थ केस में दे रखे है इफ मार्केट वैल्यू 4,55,000, 5,00,000 की इन्वेस्टमेंट हो गए 4,55,000 के, कितना नुकसान होगा? 45,000 का। 45 में 30 तो ये दे देगा, तो 15 कौन देंगे? 15 सर पार्टनर देंगे। तो एंट्री IFR अकाउंट डेबिट 30 का 30, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, 2 इन्वेस्टमेंट 45,000। अब ये जो 15 का नुकसान होगा वो कौन देगा? एज, बीज एंड सीज। 2 रिवैल्यूएशन 15,000, रेशियो 3:1। बातेंगे तो 7,500, 5,000, 2,500। ओके, ये था केस नंबर 4th। फिफ्थ एंड लास्ट केस, यदि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 5, देखो अब मार्क बढ़ भी सकती है, वेल डन, अच्छा फायदा हो गया। 5,00,000 वाली चीज़ होगी 5,24,000 की, फायदा कितना हुआ? 24,000 का। तो देखो सोचो, फर्स्ट एंट्री तो सर वो कि वो दे दो फिर वो पैसा, IFR तो दे दो। बात IFR अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ये तो फर्स्ट एंट्री पहली हुई थी, फर्स्ट एंट्री ही तो थी। 3/6, 2/6 एंड 1/6, 15,000, 10,000 और 5,000, ये तो होगी। अब जो 24 का फायदा हुआ, फायदा होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, नुकसान पे डेबिट होता है, एंट्री क्या हो जाएगी?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का फायदा हुआ? 24,000 का। अब 24 का फायदा किसको देंगे? पार्टनर को। एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल 24,000। 3-2-1 में 3/6 12,000, 2/6 8,000, 4,000। तो दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू 56 एंड कंप्लीट योर 56 क्वेश्चंस। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, इलेक्शन नंबर 57। करने से पहले छोटी सी बात मैं बता देता हूँ अब आपको एक, डियर स्टूडेंट्स, हर टॉपिक अब आपके सामने आ गया। हमारे पास चार प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट ही कौन सी थी? प्रॉब्लम फर्स्ट आपने डिस्कस की होगी, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या थी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप हर प्रॉब्लम से वाकिफ होना पड़ेगा आपको। दूसरी थी गुडविल, तीसरी थी रिवैल्यूएशन एंड फोर्थ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पीएनएल। ये चार प्रॉब्लम से वाकिफ हुए थे, चारों प्रॉब्लम हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उनमें हर प्रॉब्लम कोई भी चारों में से आ सकती है, और ये चारों प्रॉब्लम ही के बाद ये लेसन कंप्लीट मोड पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए 57 में क्या क्या आता है। अब एक एक कड़ी से हमारी चेन बन चुकी है, हर कंसेप्ट आपका हो चुका है, अब कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। 57 देखिए, अनिल और बीना, ए और बी पार्टनर हैं, रेशो उनका क्या है? 4:3, 4/7 एंड 3/7। उन्होंने क्या दे रखे है? सबसे पहले बारी बारी से जनरल रिजर्व दे रखे है 70,000 रुपये। बताओ आप क्या करते हैं? ट्रांसफर कर दीजिए सर ए और बी में। एंट्री फर्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बीज कैपिटल 70,000 रुपये ट्रांसफर किस रेशियो में? 4/7 3/7 40,000 रुपये और 30,000 रुपये। एंट्री फर्स्ट क्लियर, ओके। अब दूसरे पर पी एंड एल का लॉस था, कितना लॉस दे रखा है? 7,000 रुपये। कौन देगा? ए और बी देंगे, जब लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,000 का लॉस था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4,000 3,000। ये केस नंबर दो। तीसरी एंट्री, IFR 10,000 दे रखा है और मार्केट वैल्यू गिर गई 17,000, तो 10 तो ये दे देगा, 7 कौन देगा? 7 सर पार्टनर देंगे। एंट्री क्या होगी? IFR का पूरा पैसा ले लिया, ये अभी क्या था कंसेप्ट? ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7,000 का नुकसान होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी गिर गई? 17,000। ये 7,000 कौन देगा? ए और बी देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल आल्सो डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7,000 रुपये। 4,000 ये देगा और 3,000 ये देगा, ओके। IFR के बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि जो चाहत है वो शामिल हो रहा है, सी शामिल हो रहा है, और सी क्या लेकर आ रहा है? सी 80,000 कैपिटल ले आ रहा है और 21,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक भी आ चुका है। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,01,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, 80,000 को हाथ नहीं लगा सकते, और ये क्या है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000। 21,000 किसका है? ए का और बी का है। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। 21,000 का सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? देखिए, जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जो इसमें दे रखा है, ओल्ड भी न्यू भी घटाएंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है 2:5, 2/7, 5/7।
तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 21,000 का 2/7 6,000 रुपये और 15,000 रुपये। ओके, कंप्लीट योर क्वेश्चंस, आई होप दैट। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। डे बाय डे स्टूडेंट जो कर रहा है, आई होप दैट उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए आपका होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन 1 to 57 टिल तक हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज आल्सो 1 to 57 इन फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस टॉपिक प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।